हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैंडमिक डिजीज़ कोरोना के बारे में और बताएंगे कि इस पैंडमिक डिजीज़ कोरोना में अगर आपको जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा कारगर है और किन होम्योपैथिक दवाओं का यूज़ करके आप अपने शरीर में हुए ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे, आजकल पूरे देश में जो है लोग कोरोना की जो है महामारी से पीड़ित हैं। हर घर में लगभग जो है कोई न कोई व्यक्ति जो है इस बीमारी से जूझ रहा है। स्थिति खराब होने पर लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है बॉडी में, ऑक्सीमीटर से जाँचने पर जब यह देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन का जो है लेवल 94 से नीचे आ जा रहा है, 92 पे, 93 पे या 90 पे चला जा रहा है या उसके भी नीचे चला जा रहा है, तो लोग मरीज़ को लेकर के हॉस्पिटल तरफ भाग रहे हैं। क्या हो रहा है हॉस्पिटल में आजकल? वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, बहुत दिक्कत से जो है मरीज़ एडमिट हो रहे हैं और मरीज़ एडमिट हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन अवेलेबल भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उसका जो है पैसा मांगा जा रहा है, तो इससे जो है गरीब और सामान्य वर्ग जो है बहुत परेशान है और वो जो है अस्पताल का खर्च अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और अफोर्ड कर भी ले रहा है तो वहाँ की अव्यवस्था, ऑक्सीजन की कमी जो है, यह जो है मरीज़ को जो है बिल्कुल परेशान कर दे रहा है। और लास्ट में जो है यह देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है मरीज़ की जो है मौत हो जा रही है। दोस्तों, इसी विषय में हम बात करेंगे कि क्या हमारे होम्योपैथ में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए शरीर में कोई दवा है क्या। कई लोगों ने हमारे YouTube वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके पूछा है कि क्या एस्पिडोस्पर्मा नाम की जो दवा आती है, क्या 2 से 4 मिनट में ही जो है ऑक्सीजन लेवल को जो है बढ़ा करके 80 से जो है 97-98 पे कर देती है, क्या इस तरह की कोई दवा है? तो दोस्तों, इसी संबंध में हम अब डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, होम्योपैथ साइंस जो है एक महान पद्धति है। यह एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें लगभग जो है हर रोग की दवा है और वायरल बीमारियों की दवा जो है होम्योपैथ में तो बहुत ही अच्छी है। क्रिटिकल केस में भी जो है होम्योपैथ बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप होम्योपैथिक दवाओं का नॉलेज रखते हैं या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के संपर्क में हैं तो आप अपने मरीज़ की जान घर पे भी जो है बचा सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथ में जो है ऑक्सीजन को जो बढ़ाने की बहुत अच्छी अच्छी दवाएँ हैं जिन्हें आप यूज़ करके मरीज़ की जान बचा सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा के बारे में बात है, लोगों ने हमसे वीडियो में जो है कमेंट करके पूछा है कि क्या एस्पिडोस्पर्मा ऑक्सीजन कमी को पूरा कर सकती है, क्या वो 80-82 से ऑक्सीजन लेवल को 97-98 तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, यह हम आपको बताना चाहेंगे कि एस्पिडोस्पर्मा जो है लंग्स की एक बहुत अच्छी जो है दवा है, या लंग्स टॉनिक के रूप में काम करता है। इसको हम डिजिटलिस ऑफ लंग्स भी कहते हैं। दमा के मरीजों को, खास करके जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उनके लिए बहुत जो है अच्छी दवा है, और जिन लोगों को सांस फूलता है उनके लिए भी जो है बहुत अच्छी दवा है। ये हमारे फेफड़े को ताकत देता है, शक्ति देता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को जो है बढ़ाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि यह 80 से जो सीधे जो है 97 पर 2 से 3 मिनट में कर देगा। हाँ, ये 80 से बढ़ा करके धीरे धीरे लेवल को 85 कर सकता है, 85 है तो 85 से बढ़ा करके धीरे धीरे 90 तक कर सकता है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है तो आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना ही चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है इनको बाहर से दिया जा सके, लगाया जा सके। और साथ में आप अगर होम्योपैथिक दवा का यूज़ करते हैं तो ये इसका जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत तेज़ी से जो है बढ़ेगा और मरीज़ को जो है यह दवा मरने नहीं देगा। तो दोस्तों, एस्पिडोस्पर्मा जो है ही एक ऐसी दवा नहीं है जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया पे इस दवा का इस तरह से प्रचार कर दिया गया है कि यह दवा मार्केट से ही गायब हो गई है।
ज़रूरतमंद को जो है एस्पिडोस्पर्मा नहीं मिल पा रही है, इसकी भी वही स्थिति हो गई है जो मार्केट में ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर की स्थिति है। मरीज़ यहाँ वहाँ इस दुकान पे खोज रहे हैं लेकिन उनको ये दवाएं मिल नहीं पा रही हैं, परेशान हैं लोग और लास्ट में थक हार करके बैठ जा रहे हैं। दोस्तों आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लिए होम्योपैथ में सिर्फ एस्पिडोस्पर्मा ही दवा नहीं है, और भी दवाएं हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों होम्योपैथ कोई किसी रोग में कोई इंडिविजुअल एक दवा नहीं होती है, यह हर मरीज़ के लिए जो है अलग अलग दवा इसमें सेलेक्ट होती है, मरीज़ के लक्षण के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से जो है दवाएँ जो है सेलेक्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए मरीज़ बहुत बेचैन है, परेशान है, घबराया हुआ है, बार बार उसको प्यास लग रही है, तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम 30 यूज़ किया जा सकता है, वही उसके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर जो है मरीज़ का बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, छाती में कफ भर गया है, तो ब्लाटा और इंटेलिस क्यू इसमें काम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों ब्रायोनिया है, एंटीम टार्ट है, ये सब मरीज़ के लक्षण के हिसाब से, मरीज़ जैसा लक्षण दे रहा है, उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस अनुसार जो है उसको दवाएं दी जाती हैं, और यह सिम्टम्स जो है डॉक्टर देख करके समझ करके उसकी बारीकियत को समझते हुए वो सेलेक्ट करेगा, उसकी प्रेगनेंसी को सेलेक्ट करेगा। तो दोस्तों आप स्वयं दवा सेलेक्ट ना करें, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे बताएं कि मरीज में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसमें कौन सी दवा जो है यूज़ किया जाए, तो डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करके सिम्टम्स के हिसाब से दवा सेलेक्ट करेगा, उसकी पोटेंसी को डिसाइड करेगा, और यह दवा आपके लिए रामबाण जो है काम करेगा। दोस्तों इन बातों के अलावा आपको कुछ ऐसी दवाओं का हम नाम बताने जा रहे हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को काफ़ी अच्छा कर देती है, और अगर आप इसका यूज़ समय समय पर करते हैं तो मरीज़ की जान बच जाती है, उसको हॉस्पिटल तरफ नहीं जाना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें जो पहली दवा है वो है कोका। कोका जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत सहायक है, ख़ास करके देखा जाता है जब हम पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कोका का उपयोग किया जाता है। कोका जो है ऑक्सीजन लेवल को ऐसे समय में पहाड़ पर जाने समय ऑक्सीजन लेवल में जब कमी हो जाती है उसको बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। तो कोका मदर टिंचर पावर में लेकर के या 30 पावर में लेकर के, अगर आप 30 पावर में लेते हैं तो 5-5 बूंद 3 बार, और अगर मदर टिंचर क्यू पावर में लेते हैं 10-10 बूंद 3 बार यूज कर सकते हैं, यह आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। अगली दवा दोस्तों ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में जो आती है कारवेज। कारवेज भी जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत अच्छा वर्क करती है, और अगर मरीज़ कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेज़ी से कम हो रही है, वो बार बार चाहता है कोई हमको जो है पंखा झेले या मुंह खोल करके बार बार सांस लेना चाहता है, तो ऐसे समय कारवेज का रोल आ जाता है। कारवेज 30 पावर में लेकर के 5-5 बूंद 3-4 बार अगर दिया जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों लोरोसिरस, लोरोसिरस भी जो है एक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, 30 पावर में लेकर के ज़रूरत के हिसाब से 5-5 में 3-4 बार यूज़ किया जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में जो अगली दवा काम आती है वैनेडियम। वैनेडियम भी हमारे शरीर में हमारे खून में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। वैनेडियम लक्षण के अनुसार अगर इसको जो है 5-5 में 3 बार यूज़ किया जाए 30 पोटेंसी में, तो वैनेडियम भी जो है बहुत अच्छा रोल करती है और हमारे खून में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। इसके अलावा दोस्तों जो है एंटीम टार्ट, स्नेगा, जस्टिसिया, ये भी दवाएं जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों करना सिर्फ इतना है कि आप जो है अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे सलाह लें कि इन दवाओं में से हम कौन सी दवा अपने मरीज़ को यूज़ करने के लिए दें, किससे जो है उसके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और मरीज़ की जान बच सकती है। तो दोस्तों ये दवाएं जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अगर आप इन दवाओं के बारे में जानते हैं तो आप अपने किसी मित्र की, रिश्तेदार की, किसी पड़ोसी की जान जो है बचा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि
जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो इसकी सूचना अज से आप तक पहुंच सके, आपको रोगों के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हो।